नमस्कार, आज बनाते हैं रेसिपी मिट्टी की हंडी में, मिट्टी की चूल्हा में देसी मटन करी। जोड़िया में बोलते हैं माटी हंडी मांसा। तो बनाते हैं आज मटन करी। ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को आप लाइक करें और हमारे वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। 1 kg है ये मटन और 4 पतले कटे हुए प्याज है और 4 आलू है। छिलका निकाल कर इसे 2-2 पीस कर दिए, 1-1 आलू को, तो 8 पीस आलू हो गए। ये कुछ साबुत मसाले, खड़े मसाले हैं। 2 चम्मच नींबू का रस है। अब ये मटन को अच्छे से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद धो लेते हैं 2 बार और इसको निचोड़ कर इसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकाल देते हैं। ऐसे करने से इसका पानी जो है थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये मटन में हम डालते हैं नींबू का रस और नमक। पहले नमक डालें, अब नींबू का रस डालें और ये नमक और नींबू को हम अच्छे से मिला लेते हैं मटन के साथ। अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम 5 मिनट ढक देते हैं, ढक कर छोड़ देते हैं। अब लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच इस मटन में हम डालते हैं। एक प्याज पिसा हुआ है, अब इसको हम डाल देते हैं मटन में। ये प्याज अदरक लहसुन पेस्ट को हम मिला लेते हैं थोड़ा। अब ये अच्छे से मिल गया है तो अब इसमें हम डालते हैं हल्दी पाउडर। यहाँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर हम डाल रहे हैं। अब इसकी पात हम डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार आप डालना। यहाँ हम 2 चम्मच मिर्ची की पाउडर डाल है, सूखे लाल मिर्च की पाउडर। अब अपने स्वाद के हिसाब से डालना। 1 टेबल स्पून सरसों का तेल अब हम इस मटन में डाल रहे हैं। डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर अब इस मटन में हम डाल रहे हैं। डालने के बाद ये जीरा और धनिया पाउडर को मटन के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद अब ये मसालेदार मटन को हम ढक कर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद हम तैयारी करते हैं बनाने के मटन का। लकड़ी के चूल्हा को जलाते हैं और 1 मिट्टी के हंडी को गर्म करते हैं। अब पहले 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल 1 मिट्टी के हंडी में हम गर्म करेंगे। ये कुछ साबुत मसाले हैं जो हमारे ये गर्म तेल में चटकाएंगे। अब पहले हम यहाँ दालचीनी 2 इंच डालें, 1 बड़ी काली इलायची डालें। अब तेजपत्ता 2 डाल रहे हैं। तेजपत्ते के बाद अब 3 लौंग है, ये भी हम डाल रहे हैं। इसके बाद 7 से 8 काली मिर्च साबुत, ये भी डाल दिए। अब हरी इलायची 3, ये भी डाल दिए। अब इसके बाद 1/2 चम्मच जीरा, 2 चुटकी काली जीरा, ये हम डालने के बाद सभी मसाले को चटका देते हैं। अब यहाँ हम कटे हुए जो पतले 4 प्याज रखे थे अब डालेंगे। डालने के बाद इसको बीच बीच में चलाएंगे और इसको पकाएंगे हम इस चूल्हे में। मिट्टी के हंडी को गर्म होने में देर लगता है, इसलिए आंच हमेशा तेज होनी चाहिए कि हमारा जो पका रहे अच्छे से पक जाए। अब ये प्याज जब तक अच्छे से लाल ना हो जाए तब तक पकाएंगे। अब ये लाल हो गया है प्याज, अच्छे से पक गया है। ध्यान से देखिए प्याज कैसे ब्राउन हुआ है। ऐसे ब्राउन हो जानी चाहिए प्याज, तब जाके स्वाद बढ़ेगा सब्जी में। अब इस मटन को डालने के बाद हम अच्छे से ये प्याज के साथ मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद इसे हम ढक लेंगे। ढक कर कम से कम 10 मिनट के लिए मटन को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मिट्टी की हंडी भारी तले वाली है। अब 10 मिनट हो गया है। अब देखते हैं मटन का भी यहाँ
काट कर रखे हुए जो आलू है ये डाल देते हैं। डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेते हैं, फिर ढक कर इसको हम छोड़ देते हैं और 10 मिनट पकने के लिए। बीच बीच में मटन को थोड़ा चेक कर लेंगे कहीं नीचे जल ना जाए। आंच का भी ख्याल रखना है क्योंकि ये भारी तले वाले हांडी है, नीचे से इसको आंच थोड़ा तेज चाहिए, पर मटन को धीरे धीरे पकाना है। अब इसे ढक लेते हैं, ढक कर पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये 20 मिनट पूरा पक गया है, अच्छे से हो गया है, तो जो टमाटर है ये आधा कप पीसा हुआ फ्रेश टमाटर है, तो हम इसको डाल देते हैं। डालने के बाद 2 मिनट इसको हम थोड़ा खुला चलाते हुए पकाएंगे इसे हंडी में। टमाटर पक गया है, अब गर्म पानी इस मटन में डालते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। अब अपनी मन पसंद के हिसाब से पानी डालना क्योंकि हमें इसे करी बनाना है। अच्छे से पानी देंगे, इसे चूल्हा में भी और पकाना है, तब इसे पानी अच्छे से देकर इसको ढक देते हैं और ढक कर 15 मिनट के लिए हम और पकाते हैं। इसको पकने में बहुत टाइम लगता है और धीमे धीमे पकता है। अब देखिए 15 मिनट हो गया है, मटन भी पक गया है, पर इसकी स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ हम गरम मसाला 1 छोटे चम्मच डाल रहे हैं। ये गरम मसाला फ्रेश कूटा हुआ है, अब डाल देते हैं। डालने के बाद 2 बड़े चम्मच हरे धनिया इसमें काट कर हम डाल रहे हैं। डालने के बाद ये गरम मसाला और ये धनिया पत्ते को थोड़ा चला लेते हैं। अब इसे हम ढक देते हैं। चूल्हे में से लकड़ियाँ जो जल रहा है अब इसे निकाल देते हैं, पर इस गरम चूल्हे के ऊपर 15 मिनट के लिए इस मटन को हम और छोड़ देते हैं, जो स्वाद बढ़ाएगा हमारा मटन करी। इसी धीमी आंच पे जब पकेगा दम हो जाएगा हमारा मटन करी। देखिए स्वादिष्ट दम माटी हंडी मांस बन के तैयार हो गया है। इस रेसिपी को कम से कम पकने में 1 घंटा लग जाता है और उससे पहले तैयारी भी करना पड़ता है, पर खूब स्वादिष्ट बन जाता है। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। फिर एक नई रेसिपी नई वीडियो लेकर मैं आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।